Good morning to you students, welcome in an online class of science. Today we will start a topic, organ specific and tissue specific manifestation. In the previous class we are some topics we are completed, today start a organ specific and tissue specific, है ना. किस तरीके से मतलब हमारे organ और जो tissues होते हैं वो disease से किस तरीके से affect किए जाते हैं. ठीक है, आप लोगों को previous जो classes वगैरह जो हम लोगों ने chapters की ली है तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारा जो क्या किया है chapter points उसमें क्या किए cover किए हैं. I hope कि आप लोगों को वो सभी points क्या हो गए अच्छे से clear हुए होंगे. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी ना कुछ क्या है पॉइंट वाइज, है ना. बॉडी इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू माइक्रोब, मतलब अभी हमें पता है कि कोई भी जो माइक्रोब्स होगा है ना वो क्या करेगा, अगर हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा तो हमारी बॉडी सबसे पहले हमारी बॉडी के टिश्यू या फिर एक पार्टिकुलर ऑर्गन उससे क्या होगा इफेक्ट करेगा, है ना. तो माइक्रोब के कंपेरिजन में हमारी खुद की बॉडी जो होती है वो क्या है, काफ़ी बड़ी है. ठीक है, आप लोगों को पता है माइक्रोब जो है जिसमें बैक्टीरिया वायरस फंजाई एक्सेट्रा ये सभी आते हैं. आप लोगों को पता है कि वायरस जैसी चीज़ों को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते ना, उससे किससे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप का जब तक हम उसका यूज़ करेंगे तब उन्हें हम देखेंगे, जैसे बैक्टीरिया और वायरस वगैरह हुए, है ना. और आप लोगों को पता है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं उनमें सबसे जो स्मॉल जो होता है वो क्या होता है, वायरस होता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बॉडी इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू माइक्रोब, कि मतलब माइक्रोब के कंपैरिजन में हमारी बॉडी क्या है, काफ़ी लार्ज है. अब ये हमारी बॉडी में थ्रू द किसी भी पॉइंट किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं ना, थ्रू एयर हुआ, थ्रू वाटर हुआ, थ्रू फूड हुआ, है ना, या किसी भी वे में मतलब ये एंटर हो सकता है. अगर ये हमारी बॉडी में अगर थ्रू द एयर अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये सबसे पहले कैसे इफेक्ट करेगा, ये जैसे एयर से जाएगा ना तो हम क्या करते हैं, हम जो ब्रीथ करते हैं ना, ब्रीथ सांस लेते हैं, तब उस वक्त उसमें क्या होता है, थ्रू द नोज, है ना. अगर ये कैसे एंटर होंगे, वाया एयर वाटर एक्सेट्रा, तब ये नोज के थ्रू जैसे ही एंटर होगा तो हमें पता है जो एयर हमारी जो बॉडी में एंटर होती है वो नोज से होते हुए सीधे कहाँ पहुंचती है, हमारे लंग्स तक. कहाँ पहुंचती है, लंग्स के पास. तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे लंग्स उस जो भी वायरस या बैक्टीरिया होगा उससे क्या कौन अब इफेक्ट होगा, हमारे लंग्स. अगर बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर्स करता है तो ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिजीज क्या क्या होता है, हमें मतलब होने के चांसेस होते हैं. और फॉर जो मोस्ट जो अभी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, कोरोना का हुआ, कोरोना जैसी डिजीज में भी क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे लंग्स ही इफेक्ट हो रहे हैं ना, थ्रू द नोज या माउथ के थ्रू जैसे ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में एंटर होता है तब ये क्या करता है, हमारे लंग्स को क्या करता है, सबसे पहले डैमेज करता है. तो उसी तरीके से अगर कोई भी अगर चीज़ जो एयर के थ्रू या माउथ के थ्रू अगर हमारी बॉडी में एंटर होती है तो जैसे लंग्स में जाकर के इफेक्ट करेगा, लंग्स पे इफेक्ट होगा, तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस जैसी डिजीज का हमें क्या होगा, होने का खतरा हो सकता है. उसके अलावा जैसे टाइफॉइड बैक्टीरिया वगैरह हो गए वो हो सकता है, जॉन्डिस, अगर कोई भी बैक्टीरिया, अगर ये तो जैसे वायरस का एग्जांपल दिया, और अगर बैक्टीरिया भी अगर हमारे बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द फूड या वाटर के थ्रू, है ना, तो जिससे क्या हो गए, वो किसको इफेक्ट करेंगे, हमारे लीवर को. किसको इफेक्ट करेंगे, लीवर को. लीवर को इफेक्ट करेंगे तो टाइफॉइड जॉन्डिस जैसी डिजीज हमें होने का क्या होता है, चांसेस हो जाता है. ठीक है, अब उसके अलावा कुछ ये तो ये ऐसे हो गए, कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होता है हमारी बॉडी में थ्रू द हमारे जो सेक्सुअल हमारी बॉडी के जो सेक्सुअली ऑर्गन जो पार्ट्स होते हैं उनके थ्रू भी फैलता है. ठीक है, HIV जैसा वायरस जो है, जो एड्स डिजीज होती है जिसमें वो किसके को इसकी वजह से होती है, HIV वायरस की वजह से, इस वायरस की वजह से जो डिजीज होती है उसे क्या बोलेंगे, एड्स बोलेंगे. और किसके थ्रू कैसे फैलता है हमारी बॉडी में, थ्रू द सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू ये होता है, हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है. इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके रिलेटेड, जैसे मॉस्किटो बाइट हुआ है ना, मॉस्किटो बाइट जैसे जब जो भी मॉस्किटो जब हमें जो मच्छर वगैरह होते हैं हमें काट लेते हैं तब क्या हो सकता है, डेंगू मलेरिया एक्सेट्रा ये सब क्या होती है, डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना. तो जिसमें ये क्या हो गए, मॉस्किटो मतलब जो हर एक का जो पैथो जो माइक्रोब्स है उनका हमारी बॉडी से क्या होना, एंटर होने के भी क्या होते हैं, अलग अलग वे हो रहे हैं. जैसे मॉस्किटो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो हमारी स्किन को क्या करता है, टच करता है, काटता है, तो वो क्या करता है, हमारे ब्लड्स के अंदर ही क्या करता है, अपना जो भी इसके जो उसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या किसमें क्या छोड़ देता है, हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से मलेरिया जैसी डिजीज से हमें क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है. उसके अलावा एक और है जापानीज
एंसिफिलेटिस है ना, ये एक ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, मॉस्किटो है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जब हमारी स्किन जब हमें ये काटता है तो इसको मतलब ये एक ऐसी डिजीज है जिसे ब्रेन फीवर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इस डिजीज़ को, हम ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें, जैसे जैपनीज इंसेफेलाइटिस है ना, तो ये क्या हो, इस डिजीज़ को ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, जो किसकी वजह से होता है, थ्रू द मॉस्किटो बाइट है ना। इसमें क्या होता है, ये जैसे हमें काटता है, जैसे हमारे हेडेक होने स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग होने स्टार्ट हो जाती है, और ये क्या होता है सीधा इसका जो असर होता है ये हमारे क्या करता है, ब्रेन्स के ऊपर ही करता है। इसके अलावा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जैसे टारगेटली हो जाती है, जैसे कभी कोई ऑर्गन जैसे हमारे स्पेसिफिकली, जैसे टिश्यू भी कभी टारगेट में आ जाते हैं, कभी ऑर्गन्स हमारे टारगेट में आते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग डिजीज़ हमें क्या होने लगती है, क्रिएट होने लगती है। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड, टिश्यूज आर ऑर्गन विच माइक्रोब टारगेट, मतलब किसी भी डिजीज़ के जो साइंस और सिम्टम्स होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, कि जो भी मतलब माइक्रोब जो है वो कौन से ऑर्गन हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को और कौन से टिश्यू को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेन को अगर टारगेट करते हैं तो ब्रेन से तो क्या होता है, हमारे हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगता है, वॉमिटिंग होती है, अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। उसके अलावा अगर वो लंग्स के ऊपर अगर इफेक्ट होता है तो लंग्स में क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना। लीवर पर अगर इफेक्ट होगा तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी, जॉइंटिस जैसे डिजीज हमें हो जाएंगे, स्टमक में होगा तो हमें डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम होने लग जाए। मतलब हर बॉडी का जो अलग अलग जो हमारी बॉडी के इतने सारे ऑर्गन हैं, जिसे जिस ऑर्गन के ऊपर वो इफेक्ट करेंगे, जिस ऑर्गन को वो माइक्रोब क्या करेंगे अपना टारगेट बनाएंगे, तो उसी से रिलेटेड हमें साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे देखने को मिलेंगे, और फिर उन्हीं से रिलेटेड हमें उनका क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट भी उन्हीं से रिलेटेड हमें करना। ऐसे नहीं है कि किसी को अगर ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो रही है, ब्रेन्स में डिजीज है, तो वो हार्ट से रिलेटेड उसको क्या लेगा, मेडिसिन लेगा, हार्ट वाले डॉक्टर्स को दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर स्पेसिफिकली के लिए हमें पता है कि हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो हमारी बॉडी में होते हैं उनसे रिलेटेड हर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी होते हैं है ना, तो उन्हीं से रिलेटेड क्या होती है ये हमें उनसे भी क्या करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है उन्हें। जब अपने अपने साइंस सिम्टम्स रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं तब पता चलता है, तो वो हमें क्या देते हैं उसके रिलेटेड प्रॉपरली हमें ट्रीटमेंट भी देते हैं और हमें प्रिवेंटिंग मेजर भी बताते हैं। इसके अलावा एक होता है हमारा इम्यून सिस्टम, ये क्या करते हैं, कभी कुछ क्या होता है, समटाइम ये भी हो सकता है कि टिश्यू और ऑर्गन न इफेक्ट होते हुए किसको इफेक्ट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में का क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस पार्ट मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों, इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का वो होता है हमारे ब्लड पर डिपेंड होता है ना। अगर हमारे ब्लड के अंदर हमारे RBC सेल्स, WBC सेल्स, प्लेटलेट्स अगर काफ़ी अच्छे से होंगे, अच्छे से फंक्शनिंग होंगे, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा, तो हमें कोई भी मतलब जो माइक्रोब्स वगैरह है इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो हमारे बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, जिसे हम WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल है ना, जिसे WBC बोला जाता है, ये क्या होते हैं हमारी बॉडी के सोल्जर होते हैं। सोल्जर कैसे, जैसे आप लोगों को पता है सरहद पर जैसे सोल्जर जैसे हमारे लिए जो हमारी सरहद पर होते हैं, जो फाइट्स करते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमारे लिए दिन रात क्या करते हैं, जागते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी ना ये WBC सेल्स जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही पता चलता है उन्हें कि बॉडी में कोई मतलब एक न्यू मतलब जैसे फॉरेजन जैसे कोई न्यू माइक्रोब्स वगैरह एंटर होता है जो हमारी बॉडी को नुकसान देने देता है, तो जिससे क्या होता है हमारी बॉडी के जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वो तो क्या करता है उस डिजीज से क्या कर पाता है, फाइट कर पाता है, और जिनका वीक इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उन्हें इसका मतलब अलग अलग क्या होने लगती है, जो भी मतलब माइक्रोब जैसा भी उसे इफेक्ट करता है उससे रिलेटेड उसे डिजीज होती है। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को ये इतना क्लीन किया मतलब आप लोगों को क्लियर कर दिया है, और ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन है ना। अब इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अब फॉर एग्जांपल अब इतने सारे डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया है, इतने सारे मतलब माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लिया है कि कौन से माइक्रोब से क्या डिजीज़ होती है, किस वे में होती है, किस तरीके से ये स्प्रेड होती है ना, ये चैप्टर्स में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। अब दो पॉइंट इसके बच जाते हैं, अब लास्ट में आता है कि हम इसको ट्रीटमेंट करें कैसे करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसे प्रिवेंशन कैसे करेंगे। अब ट्रीटमेंट करने के लिए भी क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं,
सकते हैं, क्या होंगे, टू वे होंगे कि हम किसी भी डिजीज को ट्रीट कैसे करेंगे। पहले तो फर्स्ट वे जो होगा वो होगा रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज का इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कम करना पड़ेगा। उसके बाद में किल द कॉज ऑफ डिजीज, मतलब फिर जिस वजह से जो डिजीज हुई है उस रीजन को ही क्या कर देना है, किल कर देना है। फॉर एग्जांपल किसी माइक्रोब से, बैक्टीरिया से हुआ है, किसी वायरस से हुआ है, या अदर देन किसी भी चीज़ से हुआ है, तो उस चीज़ को वहीं पर क्या करना है, बॉडी के अंदर उसे ख़त्म करने के लिए, है ना। ये टू तरीके। अब रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, इफेक्ट ऑफ डिजीज को कैसे किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वायरस या बैक्टीरिया है तो कुछ एंटी वायरल जो मेडिसिंस होती है या बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल जो वायरस वो मेडिसिंस वगैरह होती है वो लेकर के हम क्या कर सकते हैं, इनके इफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। या फिर फाइनली जैसे इस तरीके से हो सकता है कि किसी भी मतलब जैसे प्रोटोजोआ हुआ है ना, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, तो उनसे रिलेटेड पहले मेडिसिन वगैरह लेकर के फिर उनको, तब भी अगर इफेक्ट ना हो पहले उसके इफेक्ट को क्या कर दो, कम कर दो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इफेक्ट कम होता जाए फिर ऐसी डिजीज मेडिसिन लो कि फाइनली जो भी वायरस बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर है वो क्या हो सके, वहीं पर किल हो जाए। लेकिन जो वायरल जो एंटी वायरल जो वो मेडिसिन होती है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव बैक्टीरियल मेडिसिंस में एंटीवायरल जो मेडिसिंस होती है जा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली होती है। क्यों? क्योंकि जो वायरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी रैपिडली स्पीड्स में क्या करते हैं, वो क्या होते हैं हमारी बॉडी में ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, ठीक है। अब उसके बाद में प्रिवेंशन, प्रिवेंशन करने के लिए भी अब हमारे पास क्या है, टू वे हैं कि हम आपकी किसी भी डिजीज से रिलेटेड हम क्या अपने आपकी बॉडी को कैसे प्रिवेंट करेंगे। इसमें भी दो है, एक जनरल और एक है स्पेसिफिक, है ना। जनरल प्रिवेंशन एंड स्पेसिफिक प्रिवेंशन। अब जनरली प्रिवेंटिंग क्या होगा, हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज, देर आर टू वेज, है ना, दो तरीके हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जनरली अब हमें पता है कि हमारे ये किस तरीके से फैल रहे, ये थ्रू एयर हो रहे हैं या थ्रू वाटर या थ्रू सॉइल या थ्रू फूड, जिस वजह से भी ये क्या करते फैलते, तो हमें क्या करना है, पहले उन्हीं चीज़ों के अंदर क्या करना है, सुधार करना है, उन्हीं चीज़ों से हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को क्या करके रखना है, प्रोटेक्ट करने। फॉर एग्जांपल अगर किसी को नॉर्मली अगर किसी को सर्दी खांसी होती है फॉर, है ना, तो वो कैसे उसे क्राउडेड वाली प्लेस पे उसे न भेजा जाए, ताकि जिसकी वजह से उसकी छींकने से क्या होता है, किसी और बच्चों को भी क्या हो सकती है वो सर्दी और जो जुकाम जिसे कफ एंड सिरप कफ कोल्ड बोलते हैं, जिससे और लोगों को भी होने का क्या होता है, चांस होता है। अब हम ये बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक बच्चा है उसे कफ एंड कफ हो रहा है ना, उसे हमने किसी क्राउड वाली प्लेस पे भेजा है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड वो किसी और से दो से तीन लोगों के क्या होगा, टच में आएगा। जैसे टच में आता है तो उनमें से फॉर एग्जांपल फाइव लोगों से वो मिला होगा, तो फाइव में से फोर लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वन जो बच्चा है उसके इफेक्ट में आ गया, मतलब उसे भी सर्दी या खांसी हो गई। कैसे भी अगर कभी किसी का हमारी बॉडी का अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, मैंने अभी कहा था अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम किसी भी जो डिजीज से क्या हो सकती है, हमारी बॉडी फाइट कर सकती है। तो उनमें से एक बच्चे का जो इम्यून सिस्टम क्या था, काफ़ी वीक था, जिसकी वजह से उसके जो कफ सिरप जो उसे थी, जो उसे जो सर्दी जुकाम था वो क्या हो गया, उस पर्सन उस बच्चे को भी लग गया। तो जिसकी वजह से मतलब ये तो जनरली प्रिवेंशन हो कि हमें ऐसी चीज़ों से क्या करना है, प्रिवेंशन करके रखना है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, जो फूड्स हम वगैरह खाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, काफ़ी न्यूट्रिशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन वाले फूड्स हम ईट करेंगे काफ़ी, तो प्रॉपरली जो होता है न्यूट्रिशन हम बॉडी को देंगे तो जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब उसके बाद में है स्पेसिफिक, क्या है स्पेसिफिक। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर जो आज के टाइम पे तो नहीं लेकिन काफ़ी मतलब 100 ईयर्स अगो पहले मतलब ऐसा था, स्मॉल पॉक्स जो चिकन जिसको मतलब जो डिजीज़ जो थी वो क्या थी, उन उस वक्त क्या होती थी लोगों को बहुत ही ज़्यादा होती थी, है ना। और उस वक्त लोग क्या बोलते थे, अरे एक को डिजीज़ ही हो गई ना तो अब एक दूसरे एक से अभी फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को हो गई तो
दूसरे लोग सोचते थे कि उसके कांटेक्ट में उसे नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसके कांटेक्ट में आते इसको भी ये हो जाएगी, है ना, ये सब होता था और लोगों को बार बार वो हो भी जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर किसी को स्मॉल पॉक्स अगर एक बार हो जाता है तो उस वक्त उस जब उसे एक बार होता है तब उस वक्त उसे वैक्सीन वगैरह दी जाती है, उसे मेडिसिन वगैरह दी जाती है ना, वो वैक्सीन जब उसे लगती है तो अगर सम टाइम अगर कभी फिर दोबारा कभी अगर वही वायरस या बैक्टीरिया उसके पास आता है स्मॉल पॉक्स का, तो उसमें क्या होता है कि वो डिजीज उसे इफेक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब उसे फर्स्ट टाइम जब स्मॉल पॉक्स हुआ था तब उसके अंदर उसकी बॉडी में वो वैक्सीन जो होता है वो क्या कर दिया गया था, एंटर कर दिया गया था, जिसकी वजह से जैसे ही वो फिर से वो माइक्रोब उसके पास आए तब वो क्या कर सकती है, उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस वायरस से क्या करता है, वो फाइट्स करता है और वहीं पर अपनी बॉडी के अंदर इस वायरस को क्या कर देता है, किल कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी किसी को एक बार स्मॉल पॉक्स जाता है तो दोबारा नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को करना है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, इन दोनों के अलग अलग टू टू वेज है, इन यहां तक आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, बाय।